नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल गैजेट्स यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं महेंद्र। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 2017 के बेस्ट स्मार्टफोन अंडर डिफरेंट प्राइस बजट सेगमेंट। इस डिफरेंट प्राइस बजट सेगमेंट में मैंने कम से कम 3 से 4 फोन रखे हैं जो आप अपने पसंद का बेस्ट स्मार्टफोन सिलेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आप में से बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा है कि 5,000 के अंदर बेस्ट स्मार्टफोन कौन सा है, 8,000 के अंदर बेस्ट स्मार्टफोन कौन सा है, 10,000 के अंदर बेस्ट स्मार्टफोन कौन सा है। तो इस वीडियो को आप आगे देखते रहिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बेस्ट स्मार्टफोन। हालांकि ये वीडियो बहुत ही लंबा होने वाला है, इसलिए मैंने इस वीडियो को 3 पार्ट्स में कन्वर्ट करके रखा है। तो आप जो ये देख रहे हैं ये फर्स्ट पार्ट है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 5 से 6 हजार के अंदर बेस्ट स्मार्टफोन, 6 से 8 हजार के अंदर बेस्ट स्मार्टफोन और 8 से 10 हजार के अंदर बेस्ट स्मार्टफोन। तो शुरुआत करते हैं 5 से 6 हजार के अंदर बेस्ट स्मार्टफोन की। तो 5 से 6 हजार के अंदर बेस्ट स्मार्टफोन में आपको बेसिक सा फीचर मिलेगा। इस वीडियो में आपको जो स्मार्टफोन मिलेगा वो 4G सपोर्ट सिम होगा, जिससे आप कम से कम जियो सिम चला सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं 5 से 6 हजार के बीच में बेस्ट स्मार्टफोन। जो पहला जो बेस्ट स्मार्टफोन है वो है सोमी का Redmi 4A। इसमें आपको मिलेगा 5 इंच HD डिस्प्ले, 2GB रैम, 16GB स्टोरेज, साथ ही इसमें आपको मिलेगा 3100 mAh की बैटरी। दूसरा जो स्मार्टफोन है वो है यू यूनिक प्लस। इसमें आपको मिलेगा 2GB रैम, 8GB स्टोरेज। तीसरा जो स्मार्टफोन है वो है स्वाइप एलाइट प्लस। इसमें आपको मिलेगा 5 इंच का क्वाड HD डिस्प्ले, जो कि इतना खास ये स्मार्टफोन नहीं है। अगर आपको 5 से 6 हजार के अंदर बेस्ट स्मार्टफोन लेना है तो आप सोमी का Redmi 4A कंसिडर कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे 6 से 8 हजार के अंदर बेस्ट स्मार्टफोन के बारे में। तो 6 से 8 हजार के अंदर बेस्ट स्मार्टफोन में पहला जो स्मार्टफोन है वो है सोमी का Redmi 3S। इसमें आपको मिलेगा 5 इंच का HD डिस्प्ले, 2GB रैम, 16GB स्टोरेज, साथ ही इसमें आपको मिलेगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 430 का चिपसेट और ये आएगा 1.4 GHz प्रोसेसर के साथ। इसमें आपको मिलेगा 16 MP का रियर कैमरा, 5 MP का फ्रंट कैमरा, साथ ही इसमें आपको मिलेगा 4100 mAh की बैटरी। जो दूसरा जो स्मार्टफोन है वो है लाइफ का F1S। इसमें आपको मिलेगा 5.2 इंच का HD डिस्प्ले, 3GB रैम, 32GB स्टोरेज, साथ ही ये आएगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 625 चिपसेट के साथ। इसमें आपको मिलेगा 1.8 GHz का प्रोसेसर, साथ ही इसमें आपको मिलेगा 16 MP का रियर कैमरा, 5 MP का फ्रंट कैमरा, इसमें मिलेगी 3000 mAh की बैटरी। तीसरा जो बेस्ट स्मार्टफोन है वो है मोटो E3 पावर। इसमें आपको मिलेगा 5 इंच का HD डिस्प्ले, 2GB रैम, 16GB स्टोरेज। इसमें आपको मिलेगा 8 MP का रियर कैमरा, 5 MP का फ्रंट कैमरा, साथ ही इसमें आपको मिलेगा 3500 mAh की बैटरी। दोस्तों, जो अगला प्राइस बजट सेगमेंट है वो है 8 से 10 हजार के बीच में बेस्ट स्मार्टफोन। तो 8 से 10 हजार के अंदर बेस्ट स्मार्टफोन, जो फर्स्ट नंबर का जो बेस्ट स्मार्टफोन है वो है सोमी का Redmi Note 3। इसमें आपको मिलेगा 5.5 इंच का फुल HD डिस्प्ले, 2GB रैम, 16GB स्टोरेज। इसमें आपको मिलेगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 650 का चिपसेट, साथ ही इसमें आपको मिलेगा 1.8 GHz का प्रोसेसर। इसमें आपको मिलेगा 16 MP का रियर कैमरा, 5 MP का फ्रंट कैमरा और साथ ही इसमें आपको मिलेगा 4100 mAh की बैटरी। हालांकि ये स्मार्टफोन आप अभी शायद नया परचेज ना कर पाए क्योंकि शायद सोमी ने ये प्रोडक्ट बेचना बंद कर दिया है। तो आपका सवाल होगा या आप सोच रहे होंगे कि अगर ये स्मार्टफोन नया परचेज नहीं कर सकते तो इसको फर्स्ट नंबर पे क्यों रखा गया है, सोमी Redmi Note 4 को फर्स्ट नंबर पे क्यों नहीं रखा। तो इसमें मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सोमी Redmi Note 3 और सोमी Redmi Note 4 में दो बड़े डिफरेंस है, जिसमें पहला जो बड़ा डिफरेंस है वो है चिपसेट और दूसरा जो बड़ा डिफरेंस है वो है GPU के बारे में। तो सोमी Redmi Note 3 में आपको मिलता है 650 का चिपसेट और सोमी Redmi Note 4 में आपको मिलेगा 625 का चिपसेट। साथ ही सोमी Redmi Note 4 से सोमी Redmi Note 3 में आपको GPU ज्यादा मिलेगा। ज्यादा GPU की वजह से आप इस Redmi Note 3 में हेवी गेम्स खेल सकते हैं, मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, इसलिए मैंने इस फोन को फर्स्ट नंबर पर रखा है। जो दूसरा जो बेस्ट स्मार्टफोन 8 से 10 हजार के बीच में है वो है सोमी का Redmi Note 4। इसमें आपको मिलेगा 5.5 इंच का फुल HD डिस्प्ले, 2GB रैम, 32GB स्टोरेज, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 625 का चिपसेट, साथ ही इसमें आपको मिलेगा ऑक्टाकोर 2.0 GHz का प्रोसेसर। इसमें आपको मिलेगा 13 MP का रियर कैमरा, 5 MP का फ्रंट कैमरा और इसमें आपको मिलेगा 4100 mAh की बैटरी। दोस्तों, जो तीसरा बेस्ट स्मार्टफोन है वो है सोमी का Redmi 3S Prime। इसमें आपको मिलेगा 5 इंच का HD डिस्प्ले, 3GB रैम, 32GB स्टोरेज, साथ ही इसमें आपको मिलेगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 430 का चिपसेट
और इसमें आपको मिलेगा 1.4 GHz का प्रोसेसर। ये आएगा 16 MP का रियर कैमरा के साथ, और साथ ही इसमें आपको मिलेगा 5 MP का फ्रंट कैमरा, और इसमें आपको मिलेगी 4100 mAh की बैटरी। दोस्तों जो चौथा जो स्मार्टफोन है वो है लिनोवो K6 Power। इसमें आपको मिलेगा 5 इंच का फुल HD डिस्प्ले, साथ ही इसमें आपको मिलेगा 3 GB RAM, 32 GB स्टोरेज। ये आएगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 430 के चिपसेट के साथ। इसमें आपको मिलेगा 1.4 GHz प्रोसेसर, 13 MP का रियर कैमरा, 8 MP का फ्रंट कैमरा, साथ ही इसमें आपको मिलेगा 4000 mAh की बैटरी। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप ये वीडियो देख के अपने बेस्ट प्राइस बजट सेगमेंट के हिसाब से आप अपने लिए बेस्ट स्मार्टफोन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो का देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। इस वीडियो का देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।